हेलो स्टूडेंट्स, आप सब ये जानते होंगे कि आपकी क्लास में विद्यार्थी जो होते हैं, स्टूडेंट्स जो होते हैं, अलग अलग कैटेगरी के होते हैं। कुछ बच्चों को अच्छे ग्रेड मिलते हैं, बहुत अच्छे टॉप में रहते हैं, कुछ बच्चे मीडियोकर होते हैं और कुछ बच्चे मीडियोकर से भी नीचे होते हैं। उन्हें लर्न नहीं होता, क्वेश्चन आंसर कैसे लर्न करने हैं, कैसे विषय वस्तु जो सब्जेक्ट मैटर है लर्न करना है। और उन बच्चों के लिए जो जिन्हें लर्न नहीं होता इतनी जल्दी, तरीका मैं आप सबको बताता हूँ कि कैसे लर्न करें। सबसे पहले जो आप लर्न कर रहे हैं, सपोज करो क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन, या चैप्टर कोई फिजिक्स का है, केमिस्ट्री का है, या हिंदी का है, या किसी और सब्जेक्ट का है, तो वो एक नोटबुक साथ रखें, पेन तैयार रखें। और जैसे आपने 8-10 लाइनें पढ़ी हैं तो उसमें जो सारांश है उसको लर्न किया आपने, दिमाग में बिठाया और उसे लिख के देख लें साथ के साथ ही। और बिल्कुल इसमें जहमत ना समझें, जैसे कष्ट होता है कईयों को लिखने में, वो चीज़ ना आए उनके अंदर कि लिखने में दिक्कत होती है, ऐसा नहीं है। लिखोगे तो लर्न रहेगा, अगर आप न्यूज़पेपर रीडिंग करोगे तो लर्न नहीं रहता, वो उड़ जाएगा साथ के साथ ही। आप लिखिए उसको, फिर एक एक वर्ड को चेक कीजिए, उस पर पेन से ऐसे टिक टिक करते रहिए कि वर्ड चेक हो गया, स्पेलिंग चेक कीजिए, कोई लाइन रहेगी वहाँ अंडरलाइन कर दीजिए, वहाँ लिख लीजिए उस लाइन को जो रहेगी लर्न करनी थी आपको, वहाँ मिस होगी, भूल गया, राइट। तो इस तरह से आगे बढ़ते जाइए, फिर नेक्स्ट लाइनें पढ़िए आपने, लिख लिया। कई बच्चे नहीं छोड़ देते हैं, हाँ जी लिख लिया आपने, तो आपका एक और स्टेप है उसको चेक करोगे साथ साथ, और जो गलतियां हुई हैं उनको लर्न करोगे, दोबारा लिखोगे, फिर एक बार फिर लिख के देखोगे। और जब सारा क्वेश्चन आपने लर्न कर लिया, मान लो आपका कोई भी टॉपिक था, फिर उसके बाद एक बार फिर लिखोगे सारे को, फिर चेक करोगे अपनी गलतियों को। और इस प्रोसेस में आपको सब्जेक्ट मैटर दिमाग में छप जाएगा आपके, आप भूलोगे नहीं, अदरवाइज फटाफट जा रहे हो और पीछे से भूलते जा रहे हो, कोई लाभ नहीं है उसका। आप स्लो में चलिए, लिख लिख के, और हो जाएगा पेपर 3 दिन में आप तैयार कर सकते हो। जैसे 3 दिन मिले आपको पेपर तैयार करने में, सारा मटेरियल आप गो थ्रू करो, अगर आपने पहले से कर रखा है तो ये काफ़ी बेनिफिशियल होगा। तो लिख लिख के याद कीजिए, चेक कीजिए, सेकंड स्टेप चेक करने का है, थर्ड स्टेप ये है कि उस गलती को माइंड में ठीक करने का, याद करो उस एरर को, रिमूव करो, फिर लर्न करो, और लाइन कोई रहेगी तो लिखो, फिर एक बार फिर 3-4 स्टेप में से आप गुजरो तो लर्न होता चला जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में कुछ और लेके आऊंगा, और टिल देन हैव अ नाइस डे, थैंक यू।